वेलकम टू मैथ क्लिनिक। तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक मैथ चैलेंज। ज़रा सोचिए, आपके पास ये क्वेश्चन है, 2^0 डिवाइडेड बाई 2^-1। तो जल्दी से आपने इसका आंसर बताना है, 15 सेकंड आपके पास। तो जो इसके ऑप्शंस हैं 0, -2, 2 और 4, तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सा जो आंसर जो है वो ट्रू है। और अगर आप आंसर नहीं दे सकेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलें, आपने कोई आइडिया लगा लिया होगा कि इसका आंसर क्या है, मैं अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बेसिकली इस तरह का जो क्वेश्चन है जिसमें पावर इन्वॉल्व हो, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो इसमें यूज़ होते हैं, यानी पावर के जो कवानीन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एनी नॉन ज़ीरो डिजिट a^0 इज़ इक्वल टू 1, यानी a जो है वो कोई भी एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, यानी ज़ीरो के अलावा कोई भी डिजिट हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो उसकी पावर 0 हो तो हमेशा 1 के इक्वल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 4^0 तो ये आ जाएगा 1, -3^0 ये भी आ जाएगा 1, इसी तरीके से 5^0 ये भी आ जाएगा 1। तो किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, लेकिन कंडीशन ये है कि a की पावर 0, यानी a जो है वो 0 नहीं हो सकता, जैसे सॉरी 0 जो है, 0 की पावर 0 जो है वो 1 नहीं होती, तो नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो होना चाहिए, तो एक बात। और दूसरा जो इसमें लॉ यूज़ होगा वो भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, वो ये है कि a की पावर -1, किसी भी डिजिट की पावर नेगेटिव हो तो हम उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और उसमें पावर उसकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो आप नीचे a की पावर जो है वो 1 पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे 3^-1 तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3। इसी तरह कोई 1 के अलावा भी पावर हो सकती है, जैसे 5^-2 हो तो हम इसको लिख सकते हैं 5^, रेसिप्रोकल में इसको लिखेंगे डिवीजन की फॉर्म में, तो 5^+2 आ जाएगी। ये दो लॉज हैं जो कि इसमें यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरी बात जो है वो डिवीजन का एक रूल जो है वो यूज़ करना हमने, क्योंकि इसमें डिवीजन का साइन जो है वो भी यूज़ हुआ है। चलें, अब मैं इसको हल करके देता हूँ आपको। 2^0 डिवाइडेड बाई 2^-1, तो हम इसको पहले तो लिखेंगे 2^0, इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा, और डिवीजन और 2^1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर 2^-1 है इसको हम इस लॉ का यूज़ करते हुए जो अभी आपको एक्सप्लेन किया है, तो हम इसको 1/2 लिखेंगे, यानी 1/2^1 भी लिखा जा सकता है इस तरीके से, लेकिन 2^1 जो है वो चूँकि 1/2 के ही इक्वल आती है, तो इसलिए आप डायरेक्ट 1/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिवीजन का कोई रूल यूज़ नहीं किया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करते हुए जो है ये 1/2 जो है इसको मैंने लिख दिया है। चलें अब इससे नेक्स्ट स्टेप। अब 2^0 जो है ये होगा 1 के इक्वल, 2^0 1 के इक्वल, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ किया हमने। और उसके बाद ये डिवीजन का जो साइन है इसको हम अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, अब ये डिवीजन का एक रूल है कि अगर मल्टीप्लिकेशन की बजाय हम डिवीजन की फॉर्म में अगर आपको कोई रकम दी हुई है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 1/2 है, तो ये 2/1 यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब इसकी एग्जाम्पल भी देख लें, और जैसे 3/5 तो हम इसको ले सकते हैं 3 मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और 5/3 यानी कि 3/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/3। तो इस तरीके से हम डिवीजन का एक रूल जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिवीजन का रूल यूज़ किया, तो 1/2 का हमने 2/1 लिख दिया। अब इसको 1/1 भी कर सकते हैं, अब ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/1 को मल्टीप्लाई करें 2, और 1/1 को मल्टीप्लाई करें 1, तो आंसर आ गया हमारे पास 2, यानी 2 को 1 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया।
तो अब देखें कि हमने इसको सॉल्व कर लिया है, तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 2। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आ गया तो फिर आपके लिए भी एक चैलेंज है, अब जल्दी से आपने इसको देखें। चैलेंज आपके सामने है 9 की पावर 0 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 1। तो आप इसका वर्बल आंसर भी बता सकते हैं, जो कि अब आपको समझ आ गई है कि मैंने ऊपर किस तरह हल किया है। तो अगर नहीं समझ आई या वर्बली नहीं कर सकते तो फिर इसको उसी तरीके से सॉल्व करें जो पिछला क्वेश्चन मैंने किया। तो आपने जल्दी से बताना है कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर मौजूद होती हैं, और वक्तन फ़क्तन मैं इस तरह के कंसेप्ट लगाता रहता हूँ ताकि आपके जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो आप समझ पाएँ और मैथ को समझने में आपके लिए आसानी हो। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।